आज बात उस बिहारी की जिसकी प्रतिभा का लोहा अंग्रेजों ने भी माना था। उन्हें बिहार का शेक्सपियर कहा जाता है। इस व्यक्ति का कार्य इतना शानदार था कि उसे देखने के बाद लोग रोते हुए घर जाते और मन में एक संकल्प होता था। आज जब आप इसके नाटक को देखेंगे तो आपके भी आंखों से आंसू निकल आएंगे। उन्होंने 7 दशक पहले बिहार के भविष्य को देख लिया था और काम शुरू कर दिया था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति के बारे में जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी प्रतिभा के बदौलत भोजपुरी को एक अलग पहचान मिली। इन्होंने भोजपुरी के लिए नाटक लिखा और नाटक का मंचन भी किया, साथ ही साथ कई नाटकों का निर्देशन भी किया। वे लोक संगीतकार और अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बदौलत भोजपुरी को काव्य और नाटक की भाषा बनाई। आज भोजपुरी भाषा के लोग इस महान व्यक्तित्व पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। बिहार से बाहर अगर भोजपुरी का महत्व है तो इसमें इस महान शख्सियत का बहुत बड़ा योगदान है। बिहारी बिजोड़ के आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे भिखारी ठाकुर के बारे में। यह नाम आज किसी की पहचान का मोहताज नहीं है। आज के ज़माने में लोग भिखारी ठाकुर का नाम लेकर अपना रोजगार चला रहे हैं। खैर, आज हम भिखारी ठाकुर के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ उनके कृत के बारे में जानेंगे। भिखारी ठाकुर की सोच उनके समय से बहुत आगे की थी। वे अपने नाटकों में वो कर जाते थे जो बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता नहीं कर पाते थे। भिखारी ठाकुर ने नाटक देखने के बाद लोग रोते हुए घर जाते थे और एक संकल्प लेते थे कि अब आगे से यह इस तरह की गलती नहीं करेंगे। भिखारी ठाकुर के इस घटना के बाद आप भी कहेंगे, सच में इतनी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे भिखारी ठाकुर। जब बिहार और झारखंड एक हुआ करता था तो वे नाटक करने के लिए झारखंड के धनबाद गए थे और वह साल था 1962। उस समय उनका नाटक पुराना बाजार स्थित धर्मशाला में उनका नाटक चल रहा था, जिसमें कोयला मजदूर भी नाटक देखने के लिए पहुंचे थे। जब वह नाटक समाप्त हुआ तो ज़्यादातर लोग रोते हुए वहां से बाहर निकले। उसके बाद एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन देखने को मिला। लोगों ने मंदिरों में जाकर कसमें खाई, अब हम अपने बेटों और बेटियों को नहीं बेचेंगे और ना ही अधेड़ उम्र के लोगों से अपनी बेटियों की शादी करवाएंगे। और वह नाटक था बेटी बेचवा। भिखारी उन महिलाओं की पीड़ा की दवा बने जिनके पति उन्हें गाँव में छोड़कर परदेश चले गए हों। इसी विरह वेदना को देखते हुए भिखारी ठाकुर ने लिखा था, सैया गैले कलकतबा ए सजनी, गोड़वा में जूता नहीं कि हथवा में छतवा ए सजनी, सैया कैसे चली हैं रहतवा ए सजनी। भिखारी के इन पंक्तियों को लिखे हुए आज 7 दशक से भी ज़्यादा समय निकल गया है, लेकिन आज भी यह उतना ही प्रासंगिक है जितना तब हुआ करता था। लोग आज भी ठहर कर उनके वो सुनते हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। बिहार में आज भी पलायन सबसे ज़्यादा है। भिखारी ने उस पलायन को तब भी देख लिया था और आज तो है ही, जिसके बाद उनकी कलम से इस तरह के गीत और नाटक निकलने लगे थे। उनके नाटक विदेशिया का आज भी जब मंचन होता है तो महिलाओं की आंखों से आंसू निकलते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए भिखारी ठाकुर को बिहार का शेक्सपियर कहा जाता है। उन्हें उनकी रचनाओं के लिए तुलसीदास भी कहा जाता है। देश जब गुलामी के बेड़ियों में जकड़ा हुआ था तब भी उन्होंने जन जागरण को नहीं छोड़ा। समाज के हर तबके में जाकर उन्होंने लोगों को जागरूक करने और काम करने के प्रति जागरूक किया। इसके लिए उन्हें अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि से भी नवाजा था। उस जमाने में महिलाओं को स्टेज पर लाना एक बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन भिखारी ने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उन्होंने पुरुषों को महिलाओं के रूप में स्टेज पर लाया, फिर क्या था, लोगों ने खूब पसंद किया और भिखारी लोगों के बीच में चर्चा के केंद्र में आते चले गए। यहाँ से बिहार में शुरू होता है लौंडा नाच। इसलिए यह नाच शैली अब बिहार के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी गायब होती जा रही है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है नर्तकियों का। भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को बिहार के सारण जिले के कुतुबपुर में हुआ था। भिखारी ठाकुर मात्र 9 साल की उम्र में थे तब वे स्कूल गए थे। उन्हें पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। उन्होंने पढ़ाई छोड़कर घर का काम काज शुरू कर दिया। जब उम्र बढ़ी तो घर का भी पेशा उन्होंने शुरू किया, यानी कि नाई का काम उन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ उन्हें उनके काम के बदले किसानों के यहाँ से उन्हें अनाज मिलता था। इस समय तक उन्हें हजाम बनाना आ गया था। अब उन्होंने सोचा कि क्यों न शहर जाकर हजाम बनाया जाए। तब वे पहुँचे खड़गपुर और उसके बाद मेदिनीपुर।
मेदिनीपुर में रहते हुए उनके जीवन में सब कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि वह पूरी तरीके से बदल गए। यहाँ उन्होंने रामलीला देखा और उनके अंदर का कलाकार जाग गया। अब उनके हाथ में उस्तुरे छोड़ने लगे और कविताओं की पंक्तियाँ उनके हाथों से निकलने लगी। अब वो घर वापस आ गए और यहाँ उन्होंने एक रामलीला मंडली बना ली जिसमें उन्हें सराहा भी गया और अब उन्हें लगने लगा था कि इसी में आगे भविष्य बनाया जा सकता है। इस दौरान घर वालों ने उनका विरोध भी किया लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और लोग भिखारी ठाकुर को अब बिहारी ठाकुर के नाम से बुलाने लगे। उनके द्वारा लिखे नाटकों में विदेशिया, भाई विरोध, बेटी वियोग या फिर बेटी बेचवा, कलयुग, प्रेम, गबरगिचोर, गंगा स्नान, विधवा विलाप, ननद भौजाई, बहरा बहार, जो समाज को एक चोट भी है और एक शिक्षा देने का भी काम कर रहा है। पूरा बिहार भिखारी ठाकुर का सदा ऋणी रहेगा। तो चलते चलते आपसे एक सवाल कि आज के भोजपुरी कलाकार भिखारी ठाकुर को कितना मानते हैं।